परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। एक एक दूसरे को आप देख रहे आप परमेश्वर उसके अंदर का सारे खाला ज्ञान को देख रहे परमेश्वर आपके अलावा आप परमेश्वर कोई एक ही परमेश्वर में आप कोई आप ही है आप कोई में पाया कितना धन्य परमेश्वर कितने आशीषित हूँ परमेश्वर
जीवन है परमेश्वर। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता आजकल सदा के लिए बदलता परमेश्वर वचन को सीखने के लिए जा रहा है दाल परमेश्वर कंटिन्यूस वचन को सीखने के लिए जा रहा है मेरा प्रभु आप लोग उसको भेद खोल कर दे हमको जितना जरूरत है परमेश्वर उतनी प्रभा ले लो आप हमारा सबको मन जानता है हमारे किसी को भी काली नहीं बेचता है हमको परिपूर्ण तृप्त करने वाला भोजन आपके पास है तृप्त करने वाला भोजन से हमें तृप्त करें विक्रय करें परमेश्वर भय के साथ डर के साथ कांपता हुआ हमने सीखने के लिए परमेश्वर कभी भी हम लोग प्रभु योग्य मर्यादा मेरा परमेश्वर करके उसकी योग्य मर्यादा एक स्टैंडर्ड आपको दिलाकर हम चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सीखा प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग फिर से पढ़ो जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न हुए। और इब्रानी 11:5 विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि परमेश्वर इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हम इसके बारे में ये वचन से और हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला और मृत्यु को नहीं देखा उठा लिया गया है करके हम लोग देखे आ रहा है अभी तीन हफ्ता से देखे आ रहा है। एक हफ्ता भी देखा था फ्राइडे के दिन देखा था और साथ साथ चलना क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर समय क्या करता है रहता है हमारे साथ रहता है हमका भी परमेश्वर ग्रहण किया है और वो भी नहीं संसार के सभी लोगों के लिए उन्होंने क्या कीमत दिया है सारे लोग उनका स्वरूप समानता है
उससे भी बढ़कर आपको परमेश्वर को जानने के लिए दिया परमेश्वर, और पाने के लिए आपको क्या क्या है अनुग्रह किया है, सबसे बड़ा आशीष। और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम ये चाहता है परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहे चले, लेकिन परमेश्वर भी हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर भी हमसे चाहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझ पर प्रेम करो, क्योंकि क्या करता है परमेश्वर भी हमें चाहता है। मैं देखता है अनु को परमेश्वर को साथ साथ चला, परमेश्वर हमारे साथ चलना ये हमारा पहले स्टेप है, पहले पैर ये हम परमेश्वर के साथ चल चलना, उसके बाद का है बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के साथ हम चलना है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो प्रेम करते ही हम, लेकिन दिन जाते जाते हमारा मुँह से क्या निकलना है, हमें आपके साथ साथ क्या करना चलना, आपके मार्ग मुझे बता दिया, आप मुझे चलाए, तो अब मुँह से बहुत बात उनसे करता है ऐसा, हम उनके साथ साथ चलना, लेकिन इसलिए दो भी अलग अलग बातें, हम परमेश्वर के साथ चलना अलग अलग बातें, परमेश्वर मेरे साथ चलना अलग बात है। तो इसमें पहले पैर में ही हम क्या करता है, हम सब ये क्या सोचता है, परमेश्वर ही मेरे पास साथ चले, मैं क्या नहीं करना है, आपको साथ नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर साथ चलने के लिए हम चलने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मतलब वो नहीं चलना है, आप केवल मरते दम तक खो नहीं रहो, परमेश्वर हमारे साथ रहता ही है, लेकिन रहने के बाद में उनके साथ चलने के लिए हम क्या करना है सीखना है। इसलिए उस दिन बताया छोटे बच्चे रहने के समय हम हाथ पकड़ के बच्चों को चलाता है, बड़ा होते ही वो बच्चा हमको क्या करना है माँ बाप को हाथ पकड़ के चलाता है, ये भी ये परमेश्वर भी क्या करता है, ये चाहता है ताकि बच्चे थे इब्राहिम तुमको हाथ पकड़ के चलाना मैं सिखाया, लेकिन जवान होते ही क्या करना है, सयाना हो गया मूसा महगल को छोड़ने के लिए क्या किया था, महगल को छोड़ दे, इसी प्रकार हम क्या करना है संसार को छोड़कर, हम जिसके साथ साथ हम चल के आ रहा है, पैसा के साथ चल के आ रहा है, काम के साथ चल के आ रहा है, पढ़ाई के साथ चल के आ रहा है, हम घमंड के साथ चल के आ रहा है, ये सब छोड़कर हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सहन होते ही हम क्या करना है चाह रहे, ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता करके प्रेरणा के दिन क्या किया था हम देखा था, और हम देखेगा और साथ साथ चलना, तो परमेश्वर और मैं दो जन साथ साथ में चलना तो क्या करना पड़ेगा, उसका मन कैसा रहना है, एक रहेगा तो ही क्या कर पाएगा हम चल पाएंगे, उसके लिए देखेंगे आप आमोस 3:3 पढ़ो। अब ये सारे वचन कहाँ से आता है, पवित्र ग्रंथ के विश्वासी अविश्वासी सब साथ आसमान जो है जोतना नहीं, क्योंकि छुरा परमेश्वर के हम अलग करने के बाद में सर पे क्या नहीं करना है, छुरा नहीं लगना, हम अलगदाई से पवित्रता से नहीं हटना, उसी से हम देख कर आ रहा है, आज भी देखेंगे परमेश्वर का साथ साथ में चलना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही बन रहना पड़ेगा। तो पढ़ो उसके लिए आमोस 3:3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे, क्या वे एक संग चल सकेंगे, मराठी में पूर्व संकेत केल्याशिवाय दोघे जण एकमेकांबरोबर चालतील काय, पूर्व संकेत केल्याशिवाय दोघे जण एक बरोबर चालतील काय, चालतील काय, आता पूर्व संकेत बोले तो सहमत ना, बरोबर ना, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे, अभी इधर अनोख क्या क्या है, साथ साथ परमेश्वर को चला, क्या क्या है वो मृत्यु को नहीं देखा, और कितने साल चला अनोख, कितने साल चला, एक साल, दो साल, तीन साल, कितनी साल, फिर पढ़ो वचन पढ़ो, उत्पत्ति 5:21-22 बराबर देखो, उत्पत्ति 5:21-22, हाँ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशिला का जन्म हुआ, कितने वर्ष, 65, 65, हाँ,
मतुशेला के जन्म के पश्चात मतुशेला के जन्म के पश्चात अनोक 300 वर्ष तक अनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा कितने साल? 300 साल। हम कितने साल चलते हैं? हम परमेश्वर साथ साथ चलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ चलता है? दोनों अलग अलग है। मैं परमेश्वर साथ चलना अलग, परमेश्वर मेरे साथ चलना अलग। वो परमेश्वर मेरे साथ चलता है वो मुफ्त में। जब भी विश्वास किया सुसमाचार को, परमेश्वर हमारे साथ आकर वास करना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। फिर उन वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति में आते हैं, ऐसा क्या करते हैं? चलते हैं। ये क्या करते हैं? चलता है। लेकिन बात क्या है? मैं परमेश्वर साथ साथ क्या करता है? हम विश्वासी बढ़ते बढ़ते क्या करना है? विश्वास परमेश्वर साथ साथ चलना है। इधर हनोक 300 साल चला। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हम कितना साल चलते हैं पता? हम कुछ समस्या आएगा तो परमेश्वर क्या चलते हैं? साथ साथ नहीं चलता तो परमेश्वर छोड़ देता है। वो परमेश्वर को क्या करते हैं? इनकार ही कर देते। समस्या हो, कुछ बीमार आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, क्या हो जाता है? लेकिन ये वो परमेश्वर साथ रहता है, परमेश्वर को क्या करते हैं? इनकार कर लेते हैं। लेकिन ये साथ साथ उनके साथ साथ क्या करता है? चलता है 300 साल। वो भी क्या है? हमारा जैसा कौन है? साधारण एक इंसान। आना कौन सा? मथुसला का जन्म होने बाद में 300 साल परमेश्वर साथ साथ चला। बेटा और भी बेटी बेटियां क्या किया था? उत्पन्न हुआ था। हमारा जैसे एक साधारण इंसान था, परिवार वाला था, सुख दुख भोगी इंसान था, बराबर। वो परमेश्वर साथ साथ कितने साल था? 300 साल चला। वो भी कौन है? उसको बाइबल नहीं है और कोई पास्टर नहीं है सिखाने के लिए। केवल किधर था? परमेश्वर के साथ से क्या था? कनेक्शन था। वो परमेश्वर साथ साथ चला। ऐसे परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए क्या चाहिए? एक मन चाहिए। दो जन साथ में चलना तो दोनों का मन कैसा रहना? अलग अलग रहेगा तो चल सकेंगे? 10 कदम भी जाने वाले झगड़ा करके क्या हो जाएगा? बराबर। हम परमेश्वर के साथ साथ चलते तो चलना तो हमारे लिए क्या चाहिए? एक मन। हम परमेश्वर के साथ एक मन है। परमेश्वर बोलता है मत्ती 20 में, 2 या 3 एक मन से कहाँ इकट्ठे हैं उधर में हूँ। अब एक मन बोला था मेरा और परमेश्वर का मन कैसा रहना है? वो जो चाहते वो चाह किधर रहना है? मेरा भी मन में जो विचार उठते हैं वो परमेश्वर का मेरे विचार उठने वाले विचार का कैसा रहना है? एक ही मन। एक ही मन नहीं है, दो सहमत से कभी क्या नहीं कर पाए, चल नहीं पाएगा। इधर अनोक 300 साल क्या किया था? परमेश्वर का साथ चला। देखो कितना उसके जीवन में भी कितनी बड़ी समस्या आया रहेगा, क्या क्या नहीं आया रहेगा, फिर भी दोनों अलग होने का क्या नहीं हुआ था? 300 साल चला, दोनों अलग होने की संभावना उधर बहुत आया। देखो हमारे जीवन में हम क्या करते मालूम है? समस्या आते ही परमेश्वर मेरे जीवन से, हमारे जीवन से क्या कर लेता है? निकल जाता है। देखो ऐसा कुछ भी हो जावे, परमेश्वर हमारे जीवन से, मैं परमेश्वर से चलना भी नहीं छोड़ना, वो परमेश्वर मेरे जीवन से निकलना भी हमारे जीवन में क्या नहीं करना, नहीं रहना। हम सबसे बड़ी चीज क्या करता है मालूम है? छोड़ देते हैं। रहने वाला परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं और चलना तो छोड़ो, वो बड़ी मुश्किल बात है। उनके साथ हम चलना तो बहुत बड़ा मुश्किल बात है। रहने वाला परमेश्वर को भी क्या कर देता है? विश्वास नहीं करते हुए इनकार कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं तो परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास क्या नहीं, परमेश्वर है क्या? मालूम मेरे पास परमेश्वर है ही नहीं, मेरे पास परमेश्वर है क्या नहीं मालूम नहीं है। मेरे परमेश्वर रहता तो ऐसा रहता है। मैं सोचता ये लोग कैसा बात करते हैं। एक बार परमेश्वर तेरे जीवन में आने के बाद वचन बताता है पवित्र लोगों के लिए विश्वास एक ही बार दिया जाता है। इसको तामे रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को हमारा साथ रखने के लिए, क्योंकि वचन बताती है संसार, जब भी परमेश्वर को तुम ग्रहण करेगा ये संसार तुम्हारा साथ नहीं देगा, ये संसार तुमको विरोधी बनेगा, तेरा घरवाला तेरा शत्रु बनेगा, तेरा घरवाला ही क्या बनेगा? विरोधी बनेगा हर जहां पर, क्योंकि ये संसार की जैसा हमारा चाल चलन नहीं होने के कारण, तेरा परमेश्वर संसार के साथ समझौता नहीं करके चलने के कारण ही उनको भी किधर क्रूस पर मारा, वही हमारा भी क्या किया होएगा। लेकिन पहले बता ही दे दिया, मैं संसार को क्या कर दिया है? जीत लिया है।
सब बताने के बाद में भी पता है पवित्र लोग एक बार विश्वास दिया जाता है, एक बार ये परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, मैं आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा इसको तामे रखने के लिए। संघर्ष क्यों करना पड़ेगा, चार ओर क्या करता है, हमें निकल जाने के लिए शैतान घूमता ही रहता है, तब भी इसको क्या करे, परमेश्वर का इसी मार्ग से, पवित्र मार्ग से, विश्वास से मैं अटाऊं, अटाकर किसी प्रकार इसके सर पे मैं चूरा लगाने के लिए देखो किसी मिट्टा मिट्टा बात करेगा, मिट्टा मिट्टा बात। और हम घर में पारिवारिक वाला होने के कारण परिवार में क्या कर लेते हैं, शारीरिक प्रेम ऐसा आ जाएगा, मिट्टा मिट्टा बात, तो ऐसा प्रेम आ जाएगा ताकि परमेश्वर से भी बढ़कर किससे डूब जाओ, पति पत्नी से डूब जाऊं, पत्नी पति से डूब जाऊं, बच्चे से डूब जाऊं, माँ बाप से डूब जाऊं, सब सबसे डूब जाके किसको छोड़ दो, परमेश्वर का इतनी सब भी आएगा, यानी वह संगड़ आकर ही आपको जाएगा, मिट्टा मिट्टा शारीरिक बात आकर भी आपको क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। एक सेवक बताया था, परमेश्वर उसको सेवा के लिए बोल दिया तुम इधर से दूर देश क्या करना पड़ेगा सेवा के लिए, परिवार छोड़ के जाना। तो ये बात पत्नी बताते हैं क्या क्या है, पत्नी बताते हैं पत्नी क्या करना शुरू कर दिया है, रोना रो नींद नहीं, ऐसा रोया 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 लगातार क्या कर दिया है, तेलीलाल तेलीलाल का समान रोना शुरू कर दिया, आप हमें छोड़कर जाएगा हम क्या करेंगे, आपसे छोड़कर आज इतना दिन हम कभी जिया नहीं, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, वो सेवक परमेश्वर चुना हुआ वो सेवक पत्नी का आंसू कारण क्या कर दिया है, एक ही बार दिया जाता है। देखो संग काली समस्या नहीं आता है आपको, आपको परमेश्वर प्रेम से अलग करने के लिए, वो विश्वास से आपको तोड़ने के लिए बहुत प्यार आता है, सबसे बड़ा प्यार आपको दिखाया जाएगा आपको परमेश्वर की ओर से क्या करने के लिए। सिमसोन के उधर क्या कहते हैं, इतना उसको क्या करता है, उसको मन को इतना वो एक दुखी हो गया, प्रेम से क्या हो गया, मेरे पास इतना प्रेम कर कितना बोलता, मैं दुख बोलता नहीं करके प्रेम से दुखी होकर क्या कर दिया है, बोल दिया मेरे सर पे चाकू लग जाएगा ना मैं खत्म हो जाऊंगा। यही एक ही बार क्या किया जाता है, विश्वास सौंपा जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, प्रेम आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपको प्रेरित पौलुस बोलने के समय में सब कुछ सबके सब कुछ बना, लेकिन आपका व्यवस्था का मेरे हृदय में रखी रखा एक कभी कोई क्या नहीं कर पाएगा, मुझसे हटा नहीं पाएगा, कोई प्रेम आ जाओ, कोई संघर्ष आ जाओ, कोई समस्या आ जाओ, करोड़ रुपया भी आ जाओ, कुछ भी कितनी बड़ा पदवी भी आ जाओ, कितनी बड़ा मेरा बड़ाई करने वाला भी आ जाओ, लेकिन परमेश्वर आपका व्यवस्था का मेरे हृदय में रखी रखता हूँ, मैं सावधान चलता हूँ, एक ही बार। इसलिए विश्वास कभी बोलता है चला गया, कितनी आसानी से बोलता है विश्वासी, मेरे परमेश्वर मेरे से चला गया, मेरे से नहीं है, आपका जैसा कोई वचन क्या बताता है। एक शादी उधर शादी का बहुत चलता था मतई में कहा है, उधर बहुत लोग बुलाए, लोग नहीं आया, इसलिए मार्ग पर रहने वालों को लेके गया उधर भोजन शाल में, उधर मालिक आया, आने के समय एक जन उधर का शादी के वस्त्र नहीं पहना हुआ दिखाई पड़ा, उसको पकड़ के क्या किया है, शबाश तू क्या क्या अभी पकड़ के लेके आया है, इसलिए तुमको वस्त्र नहीं है, छोड़ देता, इसको पकड़ के कितना लेके जाके डाल, दांत पीसना तो नरक में लेके जाके डाल करके कौन बोला है, उसी मालिक। हम आसानी से बोल जाता है मेरे पास परमेश्वर आई क्या मालूम नहीं, गया क्या मालूम नहीं, मेरे पास रहता क्या मालूम नहीं, अंत क्या है, ऐसा बोलने वाला याद रखो, एक ही बार परमेश्वर को दिया जाता है, विश्वास दिया जाता है, अगर संकर के साथ संघर्ष करते हुए प्यार आवे कुछ भी आवे उसको इतनी क्या करना है, सामना करके उसको आप थामे रखेगा बच जाएगा, नहीं क्या किया जाएगा, इसको पकड़ के दांत पीसने वाला उसी कुंड में आग के झील में क्या किया जाए, डाला जाए करके क्या किया जाएगा, ये नहीं मरने के बाद नहीं, इधर इधर इसे क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। इसलिए आप लोग लाड नहीं है, परमेश्वर प्रण बनने के बाद क्या नहीं है, लाड नहीं है। और दिन सवेरे उठकर मेरे पास आभार किया, मैं परमेश्वर अनिवासा पवित्रात्मा का परपूरी पाया, तभी अनिवासा मिला आराधना करने के लिए, फिर शुरू कर दिया। उसी समय ट्यूशन क्लास लेती थी, दो घंटा भी हो जाएगा ना मेरे को मन में डर, मैं अनिवासा से आराधना करता है, शायद ये अनिवासा मुझसे निकल गया क्या,
दो घंटा होता फिर प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना करेंगे, फिर दो घंटा होता। मेरे को यह डर कि मेरा परमेश्वर इतना दिन के बाद में क्या किया, इतना संघर्ष होने के बाद में हमारे आत्मा से आराधना करने के लिए सौभाग्य दिया, इसको मैं छोड़ना है। रात को भी क्या करेंगे, एक दो घंटा होगा उठ जाएगा, ऐसा उठ जाएगा कुछ, फिर आराधना करेगा, फिर प्रार्थना करेगा, ताकि मेरे पास मेरा परमेश्वर क्या कर दिया है, इतनी बड़ा एक अन्य भाषा दे दिया करके क्या किया था। ट्यूशन क्लास छूट गया उधर ही घुटने डालेगा, दरवाजे बंद करेगा उधर ही घुटने डालेगा, पहले प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, हाँ मेरे पास वो अन्य भाषा क्या है, वो नीचे होएगा, फिर क्या करता है काम करने के लिए शुरू करता है। ये हमको क्या करना है, सवेरे उठते ही प्रभु मैं उस दिन आपको पाया, आज तक आप बढ़े या मुझसे घटे, हम क्या करना है बात समझ रहे आपको, आप सवेरे शाम बैठ कर क्या करना है, उनसे बातें करो प्रभु मेरे पास कितना कमी है, आप कुछ है क्या, आप कुछ नहीं है, बात करो। हम क्या नहीं करते मालूम है, हम परमेश्वर के सम्मुख में आते, याद रखो कभी भी आएगा हमारा लिस्ट लेकर मत आ जा, हमारा लिस्ट समझ गया ना, हमारा समस्या कभी आप लेकर नहीं आया, आपके पास आया परमेश्वर तो आपको लेकर वो सृष्टि करता, आपको सृष्टि किया परमेश्वर वही है, आप कैसा है क्या है सब कुछ आपको उनके बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में तो मालूम है, हम कुछ भी लेके अगर उसके सामने रखने की जरूरत नहीं है, केवल प्रभु मैं आपको कुछ किया, मैं आपको प्रार्थना किया, मैं आपके पास बात किया, मैं वचन पढ़ा, मैं वचन के अनुसार चला, धार्मिकता मार्ग में चल रहा हूँ क्या, मैं खरा चाल चलता हूँ क्या, मैं सच्चाई से आपके पास व्यवहार कर रहा हूँ क्या, क्या करना है। आप इसी बोलते ना आप रोओगे, आप बोलते ना आप आंसू बहाते रहेगा, आप जाते रहेगा, आप सबके साथ कनेक्ट मिलता रहेगा, लेकिन हम क्या करते बल में, हम लिस्ट लेके आते हैं, कभी कोई भी आप लिस्ट लेके आएगा आप परमेश्वर को पा ही नहीं पाए, 100% बोलता आप लिस्ट डालते हैं ना, मैं ऐसा हूँ तैसा हूँ मेरे होकर आप पाएगा ही नहीं, वो ऐसा आने वाला किधर जा सकता है, केला लो अगरबत्ती लो किधर चल जाओ, वो बेटर होता है उधर चल जा रहे हैं, परमेश्वर के पास क्या नहीं है, इसी बात के लिए कहना उधर वो आपको सब कुछ दे दिया है, फिर भी विश्वास के बिगड़ आकर रहे थे, वो आप बोलने का घृणित है, परमेश्वर बोलता है पक ना कर मेरे सम्मुख में आने के बाद, तो वचन क्या बताता है, 300 साल परमेश्वर साथ साथ क्या किया है, वो भी एक ही मन के साथ, कभी उनके साथ मतलब 300 साल भी परमेश्वर उनसे थोड़ा भी क्या नहीं किया, अटने के वो चांस नहीं दिए, परमेश्वर आया हुआ उनके जीवन में पाया हुआ आया हुआ परमेश्वर, एक दिन भी एक सेकंड भी उनके जीवन से क्या नहीं किया रहेगा, अटने के लिए समय नहीं दिया, इसलिए क्या किया, सात परमेश्वर साल 300 साल चले, हम परमेश्वर ग्रहण करके कितना दिन हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 साल 12 साल और 15 साल, अब ये 12-15 साल में देखो मैं परमेश्वर साथ साथ कितने साल चला, अभी कुछ लोगों का तो अभी मालूम भी नहीं परमेश्वर मेरे साथ आए क्या, चलना बहुत उपाय याद रखते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलना, अनोख चला मैं भी क्या करना, चलने के लिए क्या करना, एक मन चला, एक मन का मतलब दो जन संगत साथ में चलना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही मन रहना चाहिए, एक ही मन का मतलब आप थोड़ा आइडिया करो, एक मन का मतलब थोड़ा आइडिया, एक ही मन, अभी आप दो चलते हैं कौन, प्रकाश और कंजन चलते हैं साथ साथ चलते हैं, अभी साथ साथ चलने के टाइम झगड़ा तो बेकार एकदम स्मूथ चलना है, मतलब क्या है एक ही मन है, हम बोल देते हैं एक मन मतलब क्या है, हम एक ही मन से हमने चलते हमारे पास कोई झगड़ा नहीं आता, मतलब क्या है गुड आइडिया, मतलब बच्चन बताता है परमेश्वर बताता है मेरी इच्छा तुम पूरी कर, परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में क्या करना है पूरा, मतलब वही इच्छा ही मेरा होना चाहिए, एक मन का मतलब क्या है, परमेश्वर का इच्छा, यीशु मसीह भी प्रार्थना करने समय बोलता है अगर ये कटोरा मुझसे दूर हो गया तो ठीक है, मेरे मैं बोलने से नहीं आपका इच्छा पूरी हो जा, आपका इच्छा ही मेरी इच्छा होगा, समझ गया, परमेश्वर बोलता है
जो मैं जो चाहता है ना, ये चाहती तुम्हारे जीवन में भी क्या रहना, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाला, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर के साथ साथ क्या कर पाएगा, चल सकता है। बात समझ गया ना, एलियन पार्टिका में ही परमेश्वर क्या किया है, नहीं कहना फल नहीं कहना, तो मेरे तेरे मर्जी से नहीं चलेगा तो मेरे मर्जी से ही क्या करना पड़ेगा, तू चलना है, उधर ही क्या कर दिया है, उधर ही क्या कर दिया है, थोड़ी तेरे मर्जी से मैं चलूंगा, थोड़ी तेरे मर्जी से मैं क्या कर सकता है, चल सकता है, किसकी मर्जी से चलूंगा, आपका मर्जी से नहीं चलूंगा, मेरे मर्जी से क्या करेगा, चलेगा, उधर क्या कर दिया है, परमेश्वर अट गया। याद रखो, परमेश्वर का साथ साथ चलना, तो परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो हमारे जीवन में क्या करना है, पूरी होना है। परमेश्वर का इच्छा पूरा होगा तो ही हम परमेश्वर का साथ साथ एक मन आएगा, दोनों को क्या करेगा, एक मन, तेरा मर्जी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई कुछ भी समस्या हमारा, ये हम संसारिक जीव, हम संसार में है, पारिवारिक जीवन बिताने के समय कुछ भी चीजें आवे, परिवार चलाने के लिए भी पूरे बातें इसके अंदर लिख कर परमेश्वर दे दिया, सारे बात इसके इसके ओर से ही हम क्या करना है, चलाना है, चलने के समय हम क्या कर, परमेश्वर इसमें आप परिवार चलाने के लिए जितनी मेरे लिए ज्ञान बता कर रखा है इसी अनुसार में क्या करेगा, चलेगा तो ही क्या करेगा, हाँ परिवार मेरे इच्छा से क्या कर रहा है। अब इधर एदेन वाटिका में वो क्या कर दिया है, शैतान आया बताया तुम परमेश्वर समान क्या करेगा, बनेगा और तेरा आंख खुलेगी, तो तीन बातें उधर बता देगी, वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया। परमेश्वर का इच्छा, आप साथ साथ नहीं चलते हैं, दोनों को एक मन नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहे, आप सोचते हैं मैं कैसा भी चलता है मेरे साथ कौन रहता है, मैं कैसा भी परमेश्वर का, दोनों मैं और परमेश्वर दोनों एक मन से नहीं चलता हूँ, मेरे साथ परमेश्वर का तो कोई भी नहीं बोल सकता। एदेन वाटिका में हमको अभी पूरा सुविधा दे दिया, एदेन वाटिका में उसके पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फिर भी क्या कर दिया है, वाटिका से उसको क्या कर दिया है, तुम मरेगा, मैं तुमसे दूर हो जाएगा, दूर हो गया, बात समझ गया, एक ही मन मतलब उनके इच्छा क्या है, वो इच्छा क्या करना है, उनका मन, इच्छा का मतलब, जब ही याद रखो परमेश्वर का आप कब ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर आकर क्या कर लेता है, बात करना शुरू हो जाता है, वचन बताता है, मन का नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हमारा मन क्या हो जाता है, नया हो जाता है। मन कैसा नया हो जाएगा, क्यों पुराना हो गया था, मन क्यों नया होना था, मन क्यों नया होना था, मन का नया हो जाने से चाल चल, मन क्यों नया होना, पता हो ना, मन क्यों नया होना था, उधर क्यों बुरा हुआ था, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया पधरी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उद्धार हो गया है, हम पाप में मरे थे, पाप में हमारा मन क्या था, पाप में मर कर यीशु इसके बारे में बताने के समय एक चुना फिरा हुआ कब्रस्थान, चुना फिरा हुआ कब्रस्थान, ताकि पूरा अंदर क्या है, गंदगी से भरा है, खराब हुआ था, मन का नया होना क्यों था, मन का नया हो जाने से परमेश्वर जब भी हमारे अंदर आ जाता है, पाप में मर कर रहा हुआ चुना फिरा हुआ कब्रस्थान क्या होना है, नया हो जाना है। और एक वचन पढ़ो इसके साथ, इब्रानी
14 फेब्रुआरी 9:14 तो मसीह का लघु जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। फिर से पढ़ो। तो मसीह का लघु जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को निर्दोष और लघु हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जो सनातन आत्मा यीशु मसीह का लहू निर्दोष मेमना का लहू को हमारे लिए चढ़ाकर रखा, इसी के द्वारा जिसने परमेश्वर का ग्रहण किया है, इस लहू के द्वारा जिसने पाप से छूट गया है, वो इसी लहू जो मरा हुआ और ये चुना फिरा हुआ ये कब्रिस्तान को क्यों शुद्ध नहीं करेगा? मरा हुआ ये कामों से, वो लास्ट लाइन पर विवेक को, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? तो मरा हुआ इसी कामों से तुम्हारा विवेक क्यों नहीं शुद्ध करेगा? हम बोलते हैं परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल पाते हैं, क्योंकि एक मन जिसके अंदर नहीं है वो परमेश्वर साथ क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाते हैं? जो हम चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान है, हमारे अंदर मरा हुआ बातें हैं, पाप से मरा हुआ, जो एफएससी में पढ़ा था, हम हमारा क्या क्या आज्ञा नहीं मानते थे, जो शैतान के साथ हम चलने वाला बनकर हमारा मन और शरीर का इच्छा अभिलाषा को पूरा करने वाला होकर हमारा मन क्या किया था, मरा हुआ हालत में था, हमारा विवेक मरा हुआ हालत में था। लेकिन यीशु मसीह के निर्दोष लहू कभी हमारे लिए बहाया गया है, हम उसका ग्रहण किया है, उसी समय हमारे विवेक को क्या कर दिया है, इसी मरा हुआ इसी कामों से शुद्ध कर दिया। तो हम नया हो गया, हमारा मन नया होने के बाद में क्यों उनके साथ चल नहीं पाते हैं? हम बोलते हैं मैं चल नहीं पाता उनके साथ, हमारा मन परमेश्वर मेरा मन अलग अलग क्यों होता है? जब उसके लहू से लहू के द्वारा क्या है, मरा हुआ उसी कामों से हमारा मन को शुद्ध करने के बाद आज भी रखा गया निर्दोष लहू, जो भी देखता है, जो भी उनको और देखता है, हम जितने भी पापी हो, हमारा विवेक कितना भी मरा हुआ कामों से भरा है, पापों से भरा है, तो भी क्या कर लेता है, शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद मेरा मन नया हो गया है, नया होने के बाद मैं और परमेश्वर क्या है, मन एक हो जाते हैं। क्यों चल नहीं पाता है हमारा परमेश्वर मन, क्यों नहीं एक होता है? मतलब आज भी इसलिए यीशु बोलता है, किसको देखे बोलता है, वो फरीसी सदूसी जो जिसको व्यवस्था मालूम है, जो व्यवस्था में का उसको ही देखे बोलता है, जो व्यवस्था सिखाता है, ये चुना पिरा हुआ कब्रिस्तान तुम बाहर का क्या करता है, शुद्ध करके घूमते है विश्वासी, अंदर आज भी मरा हुआ पाप से मरा हुआ कामों से तुम क्या भरा है, इसलिए तुम और परमेश्वर का मन एक नहीं है, तू साथ साथ नहीं चल पाते। चुना करार का पहले नोआ का सातवां पीढ़ी था, वो क्या क्या है, परमेश्वर का साथ साथ चला, 300 साल चला, मृत्यु को नहीं देखा, वो उठा लिया गया है, वो मृत्यु को नहीं देखा, क्यों? दोनों का मन एक था। आज विश्वासी और परमेश्वर का मन एक क्यों नहीं होता है? बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है, परमेश्वर साथ बैठने के लिए नहीं होता है, थोड़ा टाइम बैठता तो पैर तब नींद आता है, आपको खंडन आता है, आपको प्रार्थना करता ही नहीं है, मतलब क्यों होता है? आज भी उस मरा हुआ चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान है, आज यीशु आएगा, हमको किसी प्रकार बुलाएगा, विश्वासी बुलाएगा, हमको क्या बुलाएगा? जिसने परमेश्वर का साथ साथ चलता है, परमेश्वर और जिसका मन एक है, विश्वासी बोलेगा चल मेरे साथ, बोलेगा हमको क्या बोलेगा? ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान तुम बाहर का बर्तन को तुम घस के ठीक करता है, लेकिन अंदर क्या है, पूरा कपट, क्रोध, विरोध, व्यचार, ये सबसे क्या क्या है,
भरा है। याद रखो हमको कभी परमेश्वर आप बोलने के नहीं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए छोटा है। कभी आपका पाप धोया गया है, आपका विवेक शुद्ध किया गया है, उसी दिन से लेकर आप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, चल सकता है परमेश्वर। और हमारा मन क्या होना है, एक ही होना ही होना है। मैं मंदिर है, मैं परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर मेरे साथ क्या करने लगा, बात करने लगा, बात निकल दिया, शैतान के सर को क्या कर दिया है, तो पैर से क्या कर दिया, परमेश्वर रोक दिया है, कुचल दिया है। इसलिए वो पापी स्त्री क्या किया था, पापी स्त्री क्या किया था, यीशु मसीह का पैर वो परमेश्वर अभी तक वो पापी स्त्री उधर आकर आंसुओं से उसका पैरों को भिगोकर बालों से पोंछकर पैरों को चूमने तक यीशु मसीह अभी तक महिमा नहीं हुआ था। फिर भी वो जान लिया इसी का पैर को चूमेगा तो ही मेरा पाप क्षमा हो जाएगा, मैं समाधान के साथ घर में क्या कर सकता, मैं वापस लौट पाएगा। आज यीशु मसीह को क्रूस पर होकर आज क्या 2000 साल को ऊपर हो गया है, आज तक हमको क्या नहीं है, हमको क्या नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, आज तक हम चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान है, हमारा पाप क्या नहीं क्या है, अभी तक क्या नहीं क्या है, दो नहीं पता है। हम आज कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं किया है, उसी समय जो किया है वो आज 10 साल हो गया, आज भी वही कर रहा है। बदलाव है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बदलाव है। अब बोल सकता है मेरे साथ परमेश्वर मथुसला 65 उम्र था, मथुसला अनोक 65 उम्र था, बच्चे दिया उसको अनोक नाम दिया है, मथुसला नाम दिया है। मथुसला का अर्थ क्या है मालूम है, वो परमेश्वर साथ साथ चलने के कारण मथुसला का नाम अर्थ, ये मथुसला जब मरेगा ना उस दिन न्याय आएगा, इसलिए इसका मथुसला रहा। जब ही मथुसला मरा अनोक का 600 उम्र था, क्या कर दिया जल प्रलय आके क्या कर दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर का साथ साथ चलने कारण परमेश्वर आने वाला बातों का क्या कर दिया, बता कर दिया। लेकिन आज हम विश्वासी कौन सा आने वाला बात हमको मालूम है, हम हमारा समस्या से भरपूर है, अगर आज भी हम क्या कहें चुना पर हुआ खबर साल है, हमारे पाप आज तक क्या नहीं क्या है, धोया नहीं है वो लग से मरा हुआ पापा का काम हमसे क्या नहीं क्या है, हमारे विवेक से नहीं जाने के कारण आदम का 7वां पीढ़ी के बाल बड़ा कभी जल प्रलय नाश होगा। लेकिन हमको क्या नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। आज तक हम कैसा चलता है, अंधा हम कैसे चलता है, हमको कैसा आए, हमको कल के बारे में मालूम है, कल के बारे में परमेश्वर हमसे बातें करता है, बच्चन पता था मेरा दास को क्या करता है, जो भी बातें आने वाला बाद में बताएगा, बताते परमेश्वर हमारे पास, हम क्या करते हैं अंधा होकर क्या करते हैं, हम चलते हैं कल का बात नहीं मालूम है, जो 10 साल के बाद पहले जो किया है ना आज भी हमारे पास है, जो पाप है ना आज भी हमारे पास है, वो हमसे धोया नहीं जाता, हमसे निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता, हम क्या करना है, हम परमेश्वर साथ साथ हमको चलना है, परमेश्वर साथ में क्या नहीं, एक मन होने के लिए, क्यों एक मन होगा तो क्या बोलता है परमेश्वर, परमेश्वर एक मन परमेश्वर साथ हम एक हो जाएगा क्या बोलेगा, संसार का साथ साथ हम चल नहीं सकता, संसार का साथ साथ अंधे की परमेश्वर अब तक परमेश्वर को नहीं देखा, उसी परमेश्वर साथ साथ हम चलने के लिए क्यों चाहते नहीं, अभी संसार के साथ हम क्या नहीं होएगा, मेल नहीं होएगा, परमेश्वर हमें क्या करेगा पूरी तरह से अलग होने के लिए बोलेगा। क्यों याद रखो अब्राहम को बोलने के समय देखो, अच्छा थोड़ा देखे आगे हम देखिए, अब्राहम को बड़ा रूपति 12 अध्याय एक चित्र पहले यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
बस फिर से यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश अपने देश और अपने कुटुंबियों अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर की इच्छा था अब्राहम धर्मी होने के कारण, इसके बारे में बता ही दिया था पहले भी, तो वो संसार के साथ साथ नहीं चलेगा, उसको परमेश्वर अलग करके परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए क्या किया है रखा। इसलिए बोला अब्राहम तू फिर से पढ़ो। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा अभी अब्राहम को बोला क्या हमको बोला अभी पढ़ता अब्राहम के लिए पढ़ते ना अब्राहम के लिए लिख रखा है फिर से पढ़ो। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर परमेश्वर इच्छा देखो ये क्या है। परमेश्वर की इच्छा ना अब्राहम के प्रति किसकी इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा क्या था? क्या क्या छोड़ना है? अपने देश छोड़ना है, अपने कुटुंबियों छोड़ना है और अपने पिता के घर को छोड़कर ये अब्राहम को प्रति परमेश्वर का इच्छा था या हमारा प्रति भी परमेश्वर का इच्छा है ना पर मैं हमारा प्रति भी क्यों हम कभी कभी ये सब नहीं छोड़ पाते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना तो खुद को भी इनकार करना ये नहीं छोड़ना ये इसके बारे में आपको पता ही था ये नहीं बोला फिर कल जाकर तुम सबको छोड़ने के लिए बोला क्यों छोड़ने के बोला ये सब आपको पता कि दे दिया है लेकिन आज ऊपर से ही बता ही देता है। किसी चीज को देखो परमेश्वर के ग्रहण करने के बाद पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर को देने को छोड़कर अगर आप देश को देगा समझे ना काम कुछ लोग क्या करे बम्बे में रहेगा लेकिन बम्बे में भाड़े घर में रहेगा गांव में पूरा खुद का गांव का पूरा सेट कर देगा उधर बंगला पर देगा सब क्यों 58 उम्र में मैं रिटायर्ड हो जाएगा उधर जाकर क्या करना है झूला डालेगा उसके तकिया रखेगा बंगलो बांधेगा बंगलो चेयर फिर डालकर ऐसा खुल्ला हवा में मेरे को क्या करना है मेरे जीना। इसलिए इधर कुछ नहीं करेगा पूरा थोड़ा थोड़ा बटोर कर बम्बई का पूरा करके क्या करेगा किसका गले पे भी पड़ कर पैसा बटोर के किधर चल जाएगा गांव में उधर एकदम मस्त बनाकर क्या करना है इधर का हवा गंदा है क्या है बम्बई का हवा क्या है गंदा है इसलिए क्या हो जाएगा बीमार आ जाएंगे। किधर जाना है? रिटायर्ड मिलेगा रिटायर्ड होते क्या मिलता है पैसा पेंशन मिलता है पेंशन आएगा बिंदास क्या करेगा जिएगा फिर उसको फंड मिलेगा ऐश करना है क्या करना अपने अपने काम बराबर सब क्या कर लेते हैं बना के रख देते हैं वहां समझ रहा है हाँ इसलिए तू क्या करना पड़ेगा भैया अपना काम इसलिए आराम में आकर क्या कर दिया है सेटल हो गया था कानान को बुलाया था आराम में आकर क्या कर दिया सेटल हो गया था इसलिए क्या बोलता है इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे अलावा पढ़ो वचन पढ़ो बताए दसवें है ना पढ़ो मत्ती 10 का 37 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक याद रखना क्या मुझसे अधिक क्या बोलता परमेश्वर फिर से पढ़ो जो माता या पिता को मुझसे अधिक याद रखो मुझसे परमेश्वर से भी अधिक माता या पिता को तुम प्रेम रखेगा तो भी वह मेरे योग्य नहीं मेरे
गैर योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखो मुझसे अधिक परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद जानने के बाद उनको पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को ही देना है। उससे अधिक हम दूसरे किसी पर भी प्रेम रखेगा तभी परमेश्वर क्या बोलेगा, तभी ही परमेश्वर बोलेगा क्या करना पड़ेगा भैया मेरे पीछे आना, तो ये सब क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा। बोल दिया मुझसे अधिक परमेश्वर से अधिक जो प्रेम रखता है वो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा देश और तेरा कुटुंबी तो कुछ नहीं पहनना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने तक सब पहन सकता है, उसके बाद में क्या नहीं पहनेगा? संसार को नहीं छोड़ेगा, आपको बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? सोना चांदी, नया लोग सोना चांदी के बारे में मालूम है आपको, पता इसी का ही देगा बाद में घर में आने टाइम बता ही देगा। लेकिन सोना चांदी पर टिकली और लिपटिक नथनी नाक विक सब क्या करना पड़ेगा? सब निकालना पड़ेगा ना। अरे तो मेरा कुटुंबी क्या नहीं करेगा, मेरा कुटुंबी क्या नहीं करेगा बताओ ना। पानी क्या लेगा? नहीं लेगा क्या है? और मेरे घर में मैं जाता था ना पहले, मेरा मम्मी घर में मेरा माँ सबको बुला के बोलेगी देख विधवा आई है, सबसे बड़ी बात क्या बोलेगी? हाँ ऐसे ही बोलते थे। मेरा माँ क्या बोलती थी? अभी छोड़ी, अभी थोड़ा दिन से छोड़ी, नहीं तो क्या करते? विधवा आई है हमारे घर पे, अलेलिया वाली आई है, यही सम्मान मिलता है, समझ गया? इसलिए हम वो कुछ लोग क्या बोलता है कि मेरे को कौन चाहिए, रिश्तेदार चाहिए। इसलिए इसलिए क्या कर नहीं करेगा हमें रिश्तेदार के लिए मैं बपतिस्मा ले लेना, ठीक है? अब्राहम तू क्या करना पड़ेगा? मेरी इच्छा है ताकि तुम्हारा देश छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा खुद भी छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? पिता का कर को भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि क्यों मुझसे अधिक परमेश्वर से अधिक तुम प्रेम इसे रखा तो क्या करना पड़ेगा? पहले प्रेम किसको देना, पहले स्थान किसको? परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर का देने के बाद में देश के लिए कितना मर्यादा देना, देश के लिए कैसा जीना है, रिश्तेदार का कितना, रिश्तेदार के साथ कैसा जीना है, माँ बाप के साथ कैसा जीना है, बच्चे के साथ कैसा जीना है, ये सब इधर लिख कर दिया है। अगर आप परमेश्वर का पहला स्थान देगा परमेश्वर इससे पूरा सिखाएगा, समझ गया? तो सिखाएगा आप बिंदु चल सकता है। परमेश्वर आपको अगुवाई दिलाकर चलने के समय सार आप ये नहीं सोचना ये मैं परमेश्वर ग्रहण करने बाद सभी आपको छोड़ जाएगा। देखो परमेश्वर को ग्रहण किए लोग जैसे आशीषित कोई नहीं, सभी लोग हमारे पीछे आना चाहिए, हमसे कोई छूट नहीं चाहिए। आप सही है, आपसे कोई छूटेगा नहीं, आप जितनी भी कठोर भी होगा ना आपसे नहीं छूटेगा। मौसे सबको क्या करता था, मौसे सबको एक बार क्या करता, वो सोना पूरा पिघल कर आरन क्या बना दिया, पछड़ा बना कर दिया था किसको? इसराइल को। इसराइल वो पछड़ा के सामने नाच रहा है, सामने नाचा, मोसे आया इतना गुस्सा होगा पटिया भी तोड़ दिया, वो पछड़ा को पिसा है, सोना सोना का क्या किया है, सारे इसराइलियों से पिसवाया, पिसता समझ गया, पाटे पीस सोना आसन से पीस पाएगा, पिसाया, पिसा के क्या बोला मालूम है? पानी से मिला पी, सबको पिलाया, फिर भी क्या बोलता है मोसे तुम बात कर, हम नहीं, हम मर जाएगा, तुम बात कर, अगर आपके साथ परमेश्वर है, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का साथ एक मन से आप जिएगा ना, आपसे कोई नहीं छूटेगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे क्या करेगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे जुड़ता है, आप जितना कठोर भी रहो आपसे जुड़ते ही जाएगा। आप सोचता है मैं क्या करेगा देश छोड़,
क्या कर, साजिश में ले लिया तुम सबको, सब मेरा सबको क्या कर दिया है तू, साजिश में, साजिश में बस, साजिश तो बात ही क्या, मेरे को साजिश का आरती नहीं मालूम है, सो सबको साजिश में ले लिया, किसको भी साजिश में नहीं लिया, ताकि परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखो हम क्या करते मालूम है, हम परमेश्वर के साथ है, एक मन नहीं होने के कारण उनके साथ साथ हमको चलने का ही नहीं है, इसलिए हम क्या करता है, यीशु का ग्रहण किया था, मैं सब छोड़ना पड़ेगा, मैं अकेला हूं, नहीं हमारा जैसा आशीषित कोई नहीं है, उसका पीछे नीचे पढ़ो अब्राहम की क्या आशीर्वाद परमेश्वर दिया, दूसरा वचन पढ़ो, मुझसे बोले तो मेरे अंदर से ईसा आएगा, याकूब आएगा, ऐसा आएगा, याकूब को तेरा 12 गोत्र निकलेगा, वो 12 गोत्र में से एक यूदा निकलेगा, यूदा से यीशु मसीह आएगा। आशीर्वाद देखो काय के लिए बोलता है परमेश्वर, इच्छा क्या है हमको नाश करना, हमको नाश करना, परमेश्वर ने चाहे तू ये देश तू प्यार करके आराम में कि बैठा रहो, छोड़ उधर रिश्ता बनाकर बैठा रहो, छोड़ तेरा बाप का घर भी छोड़, मैं तुझसे ही बड़ा जाति बनाना चाहता हूँ, इसके लिए तुमको मैं बुलाता हूँ, इसलिए तुम मेरे इच्छा पर चल, हम दोनों के एक मन को परमेश्वर इच्छा पर चलने किस वाला एक मन तेरा हो जाता है, बोलता तू तेरे साथ तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, चल निकल, अभी बता तू जिसे तेरा अंदर से इधर ही वादा कर दिया है, किधर वादा कर दिया है, इधर ही वादा कर, तेरे अंदर से बड़ी जाति निकलने वाला, निकल इच्छा, और नीचे पढ़, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, कैसा महान, कैसा महान, एग्जाम्पल के लिए आज क्या छोटे बच्चे को मुंह से भी कौन निकालता, मोदी मोदी मोदी, महान करूंगा कुछ भी करो क्या है, तेरा नाम क्या करेगा, तेरा घर का अंदर भी आज हमारा नाम लेने के लिए क्या है मुश्किल, घर का अंदर भी क्या है आगे, घर का अंदर भी हमारा नाम लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, अगर मेरा इच्छा यही है अब्राहम, मेरा इच्छा पर तू चलेगा ना, तेरे अंदर से इतनी बड़ी एक जाति क्या करेगा, देश बनाऊंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, महान, छोटे बच्चे का मुंह से भी क्या करेगा, अब्राहम, अब्राहम, दाविद, हनोक, मथुसला, नोवा क्या करेगा, निकलने के लिए रखूंगा, हाँ, और तू आशीष का मूल होगा, और तू किसका मूल होगा, तुम्हारे पास आएगा ना, तू भंडार है आशीष का, क्या है तू आशीष का भंडार है, हमको ना हम ऐसी इंसान बोला, हमको ना वो दिमाग, दिमाग के क्या बोलते हैं उसको, हम चतुर लोग हैं, इसलिए ना इतनी बड़े आशीष की तरह का लिख कर हाथ में दिया हम लेते हैं, हमको क्या चाहिए मालूम है, देखो सुअर क्या रहता मालूम है, सुअर को घर में पालने वाला सुअर आप देखा है, सफेद सुअर पालता है, घर में कौन सा सुअर पालता है, पेट, पेट, पेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पालतू कुत्ता पालते हैं ना, सफेद कुत्ता, लाल वाला कुत्ता, आंख वाला नहीं, कान वाला नहीं, ऐसा पालते ना, ऐसा सुअर को भी पालता बाहर गांव में, सफेद सुअर पालता है, समझ गया, अच्छा दिखता है सफेद, सफेद सुअर को कार में लेके घुमाता है वो लोग, अपन कुत्ता कैसा घुमाता है, कार में लेके घुमा के बाहर उसको ले जाके उसको थोड़ा फ्री हो जा करके छोड़ देगा ना, वो देखेगा, देखेगा किधर कीचड़ है, ये तो थोड़ा मेरा फ्री होने के लिए छोड़ा है, किधर कीचड़ का तो घुस जाएगा, अभी सुअर किधर है, सुअर किधर है, मैं उसको क्या करने के लिए लेके आई, टॉयलेट करने के लिए लेके आई, सुअर किधर है, कीचड़ का अंदर, समझा, ऐसा ऐसा इतनी बड़े धन हमारे हाथ में देने के बाद में भी हमको क्या करना है, जितना तुला की परमेश्वर लव से लेकर रखने के बाद में भी हमको थोड़ा क्या करे, बच्चे अभी जी करके छोड़ दिएगा क्या करते हैं, फिर पकड़ना तो
किधर आना पड़ता है, किधर आना पड़ता है, यीशु पतरस 7 दिन मच्छी पकड़ने चल गया, किधर चल गया, यीशु चल गया। अभी यीशु से कुछ काम, यीशु को मार के क्रूस पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी दर्शन भी देता है कभी कभी, कभी कभी आता है। अभी हम क्या करना पड़ेगा, मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, कौन कौन आता है, 7 जन चल गया। यीशु क्या किया है, इतना दिन मेहनत किया तुम्हारे साथ, इतना लघु भी भगा कर क्या ना किए थे, इधर क्या कर रहा है, मच्छी पकड़ रहा है, इधर वो लोग के लिए रोटी पका के मच्छी पका के बच्चे देखो किधर, हम सुअर किधर जाकर क्या करते, किचन में उधर भी आकर बच्चे चल, बच्चे चलना, बच्चे चलना, इधर ले क्या क्या रखा दे, ये बच्चे तेरे मित्र ले में क्या क्या रखा दे, बच्चे कितने तेरे से बड़ी जादू उत्पन्न करने वाला है, तेरे नाम को बढ़ा करने महान करने वाला है, बच्चे तू आशीर्वाद का क्या है भंडार है बच्चा, देख तेरे में लिख कर दिया, इसको कोई क्या नहीं कर पाएगा, मिटा नहीं सकता है इसको, नहीं इसे कोई मिटा बोलेगा तो ही क्या कर सकता है, मिटा सकता है, ये मैं लिख कर दिया, छापा है, इसको कोई बदल नहीं सकता बच्चा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं मनुष्य नहीं है, मैं कभी नहीं बदलता। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमको चितर लघु से बुला कर रखने के बाद हम थोड़ा मैचर हो जाए, अब थोड़ा बलवान हो जाए, उसी राजा बलवान होते ही क्या कर दिया, मर्जी अपना मर्जी, अभी तेरा मन मेरा मन एक साथ नहीं चलेगा, तेरे साथ मेरे को चलना नहीं, अभी किसके किसके साथ चलना है, संसार के साथ, मेरे इच्छा के साथ, मेरे अभिलाषा के साथ, मेरे पढ़ाई के साथ, मेरे पैसा के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे पत्नी के साथ क्या करना है, मेरे को चलना है, अभी तेरे साथ मेरे को चलना नहीं, मेरे गांव चाहिए मेरे लिए, मेरे रिश्तेदार चाहिए मेरे लिए, मेरे बाप के साथ क्या करना, मेरे को चलना, तेरे से बढ़कर वो चाहिए, आशीष की तरह नीचे पढ़ और आशीष, तो आशीर्वाद का क्या भंडार है, तुम्हारे पास कोई भी आएगा ना, कोई भी आएगा ना, आशीर्वाद पा कर जाएगा, जो बीमार आएगा बीमार निकल कर जाएगा, शैतान वाला आएगा शैतान से निकल कर जाएगा, समस्या से आने वाला समस्या से दूर होकर जाएगा, गरीब आएगा गरीब बन कर जाएगा, सर तुम भंडार है। हाँ नीचे पढ़, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, तुझे जो आशीर्वाद करता ना उसको मैं आशीर्वाद देगा, इसलिए हम किसको जाकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको कोई भी पढ़ नीचे पढ़, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ देखो हम जाकर डायरेक्ट झगड़ा करने की जरूरत नहीं, हमको कुछ भी करेगा वो परमेश्वर देख लेगा। हाँ नीचे पढ़, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल संतोष, किसी आशीर्वाद पाना है तेरे घर के लोग संतोष के द्वारा ही क्या करना है, आशीर्वाद पाना, इसलिए परमेश्वर तुझे बुलाया है, समझ गया, भूमंडल का सारे कुल किसके द्वारा, परमेश्वर जिस चीज को जिस परिवार से बुलाए हमारे द्वारा आशीर्वाद पाएगा, कितनी बड़े चीज आत में लिख कर देखकर क्या बोलता है अब्राहम, उससे बढ़कर तेरे देश में क्या नहीं करना है, प्यार नहीं करना है, मुझसे बढ़कर किससे प्रेम नहीं करना है, परिवार से और बंधु जनों से क्या नहीं करना है, पहले मुझसे प्रेम कर, मेरे इच्छा पर चल, मेरा इच्छा यही है, तो मेरे साथ साथ क्या करना है, चलना है, हम दोनों का एक मत, देखो मेरा इच्छा मैं डाल दिया, तू क्या होना है, सहमत होकर होएगा एक मन, क्या करना है, चलना है, अब्राहम एक मन होगा ये छोड़ दिया था, अब्राहम क्या बोला, क्या करने लगा, चला, चला के नहीं चला, आज अब्राहम को नाम लेने पर प्रचार खत्म नहीं होता, होता होता नहीं होता, आज आशीर्वाद हम कैसे पाया, उसी अब्राहम के द्वारा ईसाक आया, ईसाक से याकूब आया, याकूब से यहूदा आया, यहूदा से यीशु मसीह आया, उसी यीशु मसीह के द्वारा आज हम आशीर्वाद है, उसके द्वारा ये बड़े जादू, उसकी बोले तो आशीर्वाद का मूल है, अब्राहम के द्वारा आज क्या है, हम आशीर्वाद पाए थे, उसी प्रकार आज हमको देकर बोलता, मेरा
इच्छा यही है भैया, तू जिसको अगर तुम ये तीन चीज ये प्रेम रखने का कारण परमेश्वर इसको बताया, इसे भी बढ़कर हम कई चीजों को हम क्या कहता परमेश्वर से भी बढ़कर प्रेम करके चलता है। परमेश्वर आज बोलता है भैया मेरा इच्छा है तू मेरे साथ साथ चलने के लिए, ये चीज रुकावट है, तू ये चीज को क्या करना पड़ेगा छोड़ेगा, हम दोनों एक मन होकर साथ साथ चलेगा, तुम आशीर्वाद का भंडार मूल होगा, तो आज तेरे द्वारा क्या किया जाएगा भूमंडल का कुल, भूमंडल का कुल बोले तो दुनिया क्या किया जाएगा आशीर्वाद पाया जाएगा। परमेश्वर का इच्छा मन यही है। तो अब्राहम क्या किया था, अब्राहम क्या किया था, चला था कि नहीं चला, चलने के बाद में थोड़ा दिन चला, उसके बाद में क्या किया था कि अगले हफ्ता देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का साथ थोड़ा आपको दो तीन दिन को आपको बताकर हम क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर साथ साथ चलने की इच्छा पूरा करना पड़ेगा। आज परमेश्वर बताता है कूटने डालो प्राग आगे क्या अगले हफ्ता देखेंगे फ्राइडे देखेंगे। परमेश्वर के साथ साथ हम चलने के लिए कुछ परमेश्वर चाहता है उसके लिए मेरा इच्छा देख मेरा मन यही है, मेरे मन में यही है तेरा प्रति, मेरे मन में यही है तेरा प्रति अब्राहम। मेरे मन में तू प्रेम करता ना देश कुटुंबी और तेरा परिवार छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। एक मन क्या, एक मन क्या, एक मन नहीं रहेगा दो साथ नहीं चल पाएगा। हम क्यों परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते, हमको बहुत भारी लगता है, हम पीछे नीचे के बच्चे नहीं पढ़ते, नीचे दिया आशीर्वाद नहीं देखता है, सीधा उस वचन कैसा छोड़ सकता है, कैसा छोड़ सकता है, यीशु मसीह के पास आएगा तो ये करना है, लेकिन क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है, तू मेरे साथ साथ चलना, तेरे प्रति मेरी इच्छा का मैं बता दिया, हालेलुया, तेरे मन में क्या, तेरे मन में क्या इसके प्रति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू इसमें सहमत है, मेरे जो बताया हुआ इस बात में तू सहमत है। आज हम थोड़ा सोचे हम किसको मुख्य स्थान दिलाकर परमेश्वर से बढ़कर रखा, अगर आशीर्वाद को कमजोर आशीर्वाद हम नहीं पा पाते, क्या क्या चीज हम रखा है परमेश्वर आपको देखकर बोलता है। बच्चा दूसरा अध्याय पढ़कर दे, दूसरा 12 का दूसरा वचन पढ़कर दे, हालेलुया। कोई सोएगा नहीं, कमर से हाथ निकाल सोने के लिए सपोर्टिंग, हालेलुया। आशीर्वाद पाओ सोना नहीं, हालेलुया। मैं सहमत हूँ प्रभु, सहमत हूँ प्रभु, बारह अध्याय का दूसरा वचन थोड़ा तुम देख बच्चा, तुमको भी बनाने के लिए मेरा इच्छा तेरे सामने में रखा, तेरा मन को तुम्हारे सामने में खोल कर रखा, तेरा प्रति मेरा यही मन है,
अगर यीशु मसीह का लहू से चुना फिरा हुआ कब्रस्तान धोया हुआ रहेगा तो अब आसानी से चल सकता है, आसानी से चल सकता है। परमेश्वर बोलते ही हाँ बातें कर परमेश्वर, तेरा दास सहावत हूँ, तेरा साथ दास सहावत हूँ। आपका विवेक जब पाप पड़ा, पाप से भरा हुआ, पाप के कामों से भरा हुआ विवेक यीशु मसीह के लहू से धुलाया गया रहेगा तो आप तुरंत बोलेगा हाँ। अगर नहीं धुलाया गया रहेगा तो आप सहमत नहीं होंगे, आप सहमत नहीं हो सकता, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएगा, आप एक मन नहीं हो सकता है, आप ऐसे लंगड़ते लंगड़ते अंत तक चलेगा। दो मन से आप चल पाएगा, वचन बताती है दो मन से चलने वाला परमेश्वर से भलाई कभी नहीं पा पाएगा। आपका इच्छा ही मेरा इच्छा करो, आप जो बोलते हैं उसके लिए मंजूर, आगे पीछे नहीं देख रहा। परमेश्वर धन्यवाद, दयाल परमेश्वर धन्यवाद। देश ना डाल, देश नहीं डाल, परमेश्वर उनके मन को पूरा लिखकर हाथ में दिया। तेरा प्रति मेरा इच्छा यही है, तू क्या बोलता, तेरे मन में तू क्या सोचता, मेरा भी यही। कोई सोवे नहीं, आप सोएगा कुछ नहीं पा पाएगा। अपने मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको ना कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु प्रभु आज से मैं
जी को